प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का किया दौरा। लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं। भारतीय वायुसेना DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। अब तक हुई 55% वोटिंग। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे समेत दिग्गजों ने किया मताधिकार का प्रयोग। निर्वाचन आयोग के पुख्ता इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। कामारेड्डी में प्रधानमंत्री मोदी, कोल्हापुर में गृह मंत्री अमित शाह, कुमुराम भीम, आसिफाबाद में यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, तो राहुल गांधी ने निजामाबाद में की रैली। सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने की जंग युद्धस्तर पर जारी। बेंगलुरु में से मंगाया गया है प्लाज्मा कटर। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी विकल्पों पर हो रहा है विचार। भारतीय घरेलू विमानन में बना एक नया रिकॉर्ड। 23 नवंबर को लगभग 4,63,417 यात्रियों ने भरी उड़ान। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे बताया भारतीय विमानन के सुदृढ़ वर्तमान और सुनहरे भविष्य का प्रत्यक्ष प्रमाण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मेलन 2023 में लिया हिस्सा। कहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भारतीय चरित्र में ढालने के लिए अपने इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पर और ध्यान देना होगा। और इसराइल ने की हमास की ओर से रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची की समीक्षा। संघर्ष विराम के पहले चरण में फिलहाल 24 बंधक रिहा। गाजा में पहली बार बड़ी संख्या में पहुंची मानवीय सहायता। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी युद्धक विमान तेजस पर उड़ान भी भरी। और सिलकियारा सुरंग की स्थिति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहां का रुख करते हैं। प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सदस्य और श्री विशाल चौहान सदस्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI हमारे साथ उपस्थित हैं। रोज की तरह जनरल साहब पहले अपने टिप्पणी ओपनिंग रिमार्क्स देंगे, उसके बाद में हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रश्न लेंगे। Over to you, General Sir. Thank you, Manish Sir. Bahut bahut meherbani. Good evening, Jai Hind, to all our friends from the media. Kal se jab se hum mile hain, tab se ab tak ka resume aapko denge. Pehle khushkhabri ke saath ki jitne log, jitne hamare bhai andar 41 bhai andar phase hain, abhi bhi razi khushi hain sab. Unke paas sab जो उनका माल चाहिए उनको रहने के लिए अंदर, वो सब पहुंच रहा है, पानी जा रहा है अंदर,
जो हम जिसका डिस्क्रिप्शन इतने दिनों से कर रहे हैं वो सब कुछ जारी है। 6 इंच का 4 इंच का पाइप भी अभी भी फंक्शन आराम से कर रहा है, बातचीत हो रही है, लाइन का कम्युनिकेशन बंधा हुआ है, चल रहा है। और कुछ रिश्तेदार भी आ गए हैं वहाँ पर, वो रिश्तेदार उनके साथ उन्होंने बात भी की है, तो मानसिक तौर पर मनोबल उनका जो है वो पूरी तरह से बना हुआ है। जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस का सवाल आता है, कल से कुछ थोड़ी और ज़्यादा अड़पणें आ गई हैं कि जो ऑगर जिसके ऊपर अभी तक पूरा दारोमदार था, जिस पे ज़्यादा फोकस था हमारा कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम बना रहे थे सिल्यासार की तरफ से, जो सिल्कियार की तरफ से जो हम कोशिश कर रहे थे अंदर जाने की मलबे के अंदर 62 मीटर 63 मीटर, वो जो अप्रोच है उसके अंदर कुछ बाधाएं आ गई हैं अब। और ऑगर जो है जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक और तकरीबन 47 मीटर तक चला गया था, उसका उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी, कुछ हिस्सा तो बाहर निकालना पड़ा, निकालने में सक्सेसफुल हो गए, मगर कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर रह गया और उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश की मगर नहीं उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। उसको काट के अब निकालना पड़ रहा है और काटने के लिए काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, आप समझिए एडवांस्ड मशीनरी जो है वो चाहिए। वो मशीनरी भी अब इंडियन एयरफोर्स ने अलग जगह से एयरलिफ्ट की है और उसको वहाँ पर पहुँचाने की अभी कोशिश हो रही है। तो हाल में अभी के लिए टेम्परली जो ये ऑगर का रूट था, ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है। और अब कटर्स का काम वहाँ पर ज़्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोद कर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, मगर ऑब्वियसली प्रोसीजर प्रोसेस जो है वो उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होगा जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। मगर अच्छी चीज़ तो ये है कि ये रास्ता बना हुआ है, इसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज रखना है, और इसका इस जरिए को हमने इग्नोर नहीं करना है। इसी पे जब ऑगर का टूटा हिस्सा बाहर निकल आएगा, इसी पे कोशिश दोबारा जारी की जाएगी। दूसरी चीज़ है कि अल्टरनेटिव मैं आपको तरीके बताता गया हूँ पिछले 3-4 दिन से। तो अब जो ऊपर से मैंने बताया था कि इधर जो सिल्कियार तरके ओपनिंग की तरफ जो टनल के छत के ऊपर पहाड़ है, वहाँ तक बीआरओ ने सड़क बना दी थी। अब वो मशीनरी शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ उसके वीडियो के वो भी आ रहे थे, झलकियाँ आ रही थी उसकी, उस मशीनरी को ऊपर ले जाने में काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं। वहाँ पर पहले से प्लिंथ बना हुआ है, अब उसको प्लेसमेंट करने का जो है पूरा अभियान चलेगा। वो एक दफ़े प्लेस हो जाएगी तो ऊपर से खुदाई भी फिर शुरू हो सकती है। इसका जो डायमेंशन होगा वो तकरीबन 1.2 मीटर 1200 मिलीमीटर जो है वो इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये तो 900 मिलीमीटर है, वो 1200 मिलीमीटर, मगर ऊपर से नीचे होगा 86 मीटर 86 मीटर का की डेप्थ तक इसको जाना पड़ेगा। और फिर नीचे जो टनल का क्रस्ट है जो अभी गिरा हुआ है यहाँ पर 62 मीटर जो गिरा हुआ है, उस क्रस्ट को इनकाउंटर करेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ये इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, इनमें हमें थोड़ा पेशेंस धैर्य रखना पड़ेगा,
बेयर करना पड़ेगा इसको, कोई प्रेशर नहीं डालना है वर्कफोर्स पर। याद रखिए कि जहां पर भी काम हो रहा है खतरनाक काम है, जितना खतरा अंदर पेश आया था पहले, अभी तो काफ़ी अच्छा है अंदर जहां पर 41 वर्कर हैं, मगर बाहर जहां वर्कफोर्स काम कर रही है वहां अब दो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और शायद कुछ देर में एक तीसरा तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वहां पर जगह रही काफ़ी, अगर स्पेस रही काम करने के लिए। तो जो तीसरा तरीका हमने बताया था ड्रिफ्ट तरीका, वो भी शायद अपनाया जाए। अभी इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है, मगर शायद अपनाया जाए। तो अभी स्थिति यह है कि हमने ये 47 मीटर जो खुदा है और पाइप जिसके अंदर लगा हुआ है, इसको स्टेबल रखना है। इसके अंदर से जो टूटा हिस्सा ऑगर का है उसको हटाना है और साइड की ड्रिफ्ट शुरू करने के लिए तैयार रहना है। टॉप डाउन ड्रिलिंग की तैयारी करनी है और मेरे ख्याल में अगले कुछ एक या दो दिन में, शायद उससे पहले, इसकी भी ड्रिलिंग शुरू हो जाए। और जो अंदर हमारे भाई हैं, 41 भाई वहाँ पर जो हैं, उनको स्टेबलाइज करके उनको स्ट्रेंथन करना है, उनका मानसिक जो हालत है उसके ऊपर हर वक्त निगरानी रखनी है, क्योंकि ये ऑपरेशन काफ़ी लंबा चल सकता है। और बाहर जितने उनके रिश्तेदार हैं उनको दिलासा देनी है, उनको उनका मोराल मोटिवेशन जो है उसको मेंटेन करता है करना है। मैं समझता हूं कि एक ऑपरेशन में ये एक समझ से ये नुक्ते हैं, इस वक्त ये 5 नुक्ते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनके ऊपर अभी पूरा जोर जो है वो सरकार देगी। अगर चौहान साहब कुछ बताना चाहेंगे आपको, कुछ और टेक्निक जो मैंने बताया है उसको थोड़ा और तफसील में, शायद वो टेक्नोलॉजिकली आपको एक्सप्लेन करें। नहीं सर, आपने लगभग सभी बातें बता दी हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो अगर मशीन में जो रोटर अंदर फंसा है उसकी वर्टिकल, उसकी ड्रिलिंग, उसकी कटिंग जो है वो कट करके उसको बाहर लाने में भी प्रोग्रेस हुई है, और सुबह से हम लगभग 6.6 मीटर उसको बाहर निकाल चुके हैं। तो एक तरह से हमारा रास्ता जो है वो भी 15 मीटर पहले निकल गया था और 6.6 मीटर की कटिंग कर ली है, तो कुल मिला के लगभग हम 22.6 मीटर के आसपास हम हमारा रास्ता क्लियर है। आगे हमें लगभग 25 मीटर की कटिंग और करनी है, और उसके लिए जैसे सर ने कहा जो गैस कटिंग हो रही है, इसके अलावा और भी जो टेक्निक्स हैं कटिंग की, चाहे वो मैग्ना कटर हो या लेज़र कटर हो या इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कटिंग का काम लगातार चालू है और प्रति आवर हमारी 1-2 मीटर से कटिंग आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस। एनीबडी? यस, गो अहेड, प्लीज टेक देम। यू वांट टू स्टार्ट देयर? ओके, प्लीज गो अहेड। सर, मैं शुएब रजा, इंडिया टीवी से। सर, जिसका जिक्र आपने किया है कि 62 मीटर जाने की जो कोशिश हो रही थी, 47 47 मीटर पर वो रुक गया, तो वो क्या उस दिशा में जो काम चल रहा था, क्या वो एक तरीके से क्या जीरो हो गया, फिर से दोबारा से करना पड़ेगा, या क्या है चीज़ें उसमें? नहीं, वो जीरो नहीं हुआ है। जो हम 47 मीटर तक पहुंच गए थे उसमें 25 मीटर में वो जो अगर का रोटर फंसा हुआ है उसे काट काट के निकाल रहे हैं। जब वो पूरा निकल जाएगा तो 47 मीटर हमें क्लियर मिलेगा, और उसके आगे हमें 10, 12 या जितना भी आगे काटना है उसको हम मैनुअली काटेंगे। तो वो जो हमारी लीड है वो बरकरार है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। वो 47 मीटर जो है उसको रूबरू करा रहे थे। तमाम महत्वपूर्ण जो बातें हैं और जो जानकारियां हैं वो यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहां पर साझा की जा रही हैं कि अभी स्थिति क्या कहती है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि ऑगर के टूटे हिस्से को निकालने का जो काम है वो लगातार जारी है, और इसके लिए मशीनें भी मंगवाई गई हैं। और इसमें एक बात और इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है कि 6.6 मीटर की कटिंग वो अभी तक निकाल चुके हैं और आगे भी निरंतर इसका काम जारी है। तो जैसे ही ये काम हो जाएगा, क्योंकि गैस कटिंग के अलावा, गैस कटर के अलावा और भी तमाम यहाँ पर जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर उन्होंने
दिखाया है, दर्शाया है, और इसके बाद ये भी कहा है कि और भी तरीके आजमाए जा रहे हैं जिससे जल्द से जल्द इसमें राहत पहुंचाई जाए और जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो आगे और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पाइप को भी वहाँ पर स्टेबल जिस तरह से वहाँ पर रखा गया है उसको भी निकालने का काम निरंतर जारी है। तो ऐसे में तमाम बड़ी बातें यहाँ से निकलकर सामने आई हैं और जो तमाम जो 41 श्रमिक हैं वो सुरक्षित यहाँ पर देखे गए हैं और इस बात को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, उससे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 5वें आरोपी अजय सेठी को 5,00,000 रुपए के जुर्माने के साथ रिहा किया है। अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी करार दिया गया था। अजय सेठी पर आरोप था कि उसने लूट का सामान खरीदा था। 30 सितंबर 2008 की रात करीब 3:30 बजे सौम्या विश्वनाथ जब ऑफिस से ड्यूटी कर अपनी कार से घर लौट रही थी तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और ऐसे में जो 2009 से हिरासत में हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जिससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं और आपको बता दें कि सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में सज़ा का ऐलान हो चुका है। 4 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है जिसमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक और अजय कुमार इस मर्डर केस में दोषी करार दिए गए थे और उसके बाद कोर्ट ने 4 आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। सभी दोषियों को मकोका के तहत ये सज़ा सुनाई गई है और दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी कर ये फैसला सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। विकास सारथी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, एक बड़ा फैसला आया है, क्या जानकारी, ताज़ा जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल गौरव, जो 2008 सितंबर 2008 की घटना थी जिसमें पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या कर दी थी 4 लोगों ने लूटपाट के इरादे से, इन्होंने सौम्या विश्वनाथन को रोका और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने काफी तफ्तीश के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया था और 4 लोगों को हत्या के लिए नामजद किया गया था, जबकि इनका एक 5वां व्यक्ति भी था इसमें आरोपी, जिसने चोरी की प्रॉपर्टी या जो भी जो प्रोसीड ऑफ क्राइम थे, जो जहां पे भी वो लूटपाट करते थे ये 4 लोग, और सौम्या विश्वनाथन से भी जो इन्होंने जो चोरी की जो पैसे वहां से लिए थे या सामान उठाया था, इन सब चीजों की खरीद फरोख्त के लिए 5वें आदमी को आरोपी बनाया गया था। तो जो कोर्ट ने इस पूरे मामले में इन पर इनको दोषी ठहराया था और शुक्रवार को ही इनको सजा का क्या क्वांटम होना चाहिए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होना चाहिए, इस पर बहस पूरी हुई थी और आज साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है जिसमें इन 4 लोगों को, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को चोरी और हत्या के आरोपों में दोषी पहले ही करार दिया था, जिनको उम्र कैद की सजा सुना दी है कोर्ट ने। वहीं 5वां जो व्यक्ति है अजय सेठी, उस पर चोरी की संपत्ति हासिल करने को लेकर के कोर्ट ने 5,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, हालांकि किसी भी तरह की कोई सजा नहीं दी है, कारावास नहीं है किसी तरह का, लेकिन 5,00,000 रुपए का जुर्माना अजय सेठी पर भी लगाया गया है। तो ऐसे में अभी तक किन किन बिंदुओं पर उनके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, इसमें जो पुलिस ने जब इन 4 को गिरफ्तार किया था, काफी पुराना मामला है 2008 का, आप इसमें ये भी देखें कि कोर्ट आमतौर पर जो सबसे ज्यादा सजा इसमें हो सकती है फांसी की सजा, वो कई बार इसलिए भी नहीं देता है कि काफी समय तक ये लोग पहले ही न्यायिक हिरासत में रहे हैं और उम्र के हिसाब से, उनके सामाजिक परिवेश के हिसाब से, उस बैकग्राउंड के हिसाब से कोर्ट सजा तय करता है। इस पर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने फिर ये माना कि उम्र कैद ही इसमें पर्याप्त सजा है और जो 4 आरोपी हैं, 4 दोषी हैं जो, इसीलिए इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 5वें पर जुर्माना लगाया गया है, हालांकि गौरव अभी क्योंकि जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने सभी दोषियों की जो संपत्ति है उसका ब्यौरा मांगा था, तो बाकी 4 दोषियों को जिनको उम्र कैद दी गई है क्या उन पर भी जुर्माने लगाए गए हैं, अभी जब विस्तृत फैसला आ जाएगा तो तभी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन जो 5वां व्यक्ति है अजय सेठी, उस पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने जरूर लगाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, तो ऐसे में वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज।
55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सिर्फ चार दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हम सफर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें और मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात विधानसभा चुनाव की। राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिग्गज हस्तियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रदेश की सभी 199 सीटों पर मतदान के साथ ही 1,862 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी, लेकिन जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में अब तक 55.63% मतदान हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल, सचिन पायलट, गजेंद्र शेखावत, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राज्यवर्धन राठौर, दिया कुमारी समेत ज्यादातर बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। राज्य में 5,26,00,000 से अधिक मतदाता हैं। इसके लिए 51,890 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुचारू मतदान के लिए करीब 2,75,000 कर्मी तैनात किए गए हैं। और राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहे मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान एक परिवार ने अनोखी पहल की है। मतदान के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक ही रंग के कपड़े पहनकर मतदान केंद्र पहुंचे। हमारे संवाददाता विशाल बैरस्टो ने उनसे खास बातचीत की। चुनाव के साथ राजस्थान में चल रहा है शादियों का मौसम और थीम बेस्ड वेडिंग्स के बारे में आपने सुना होगा, लोग एक सा कलर पहनते हैं, लेकिन मतदान के दिन भी क्या एक सा कलर? कैसे एक फैमिली है जो पूरी तरह से एक सा रंग पहनकर आई है? आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये आपने कैसे डिसाइड किया कि हमें एक कलर पहन के ही जाना है। हम देखते हैं हर उत्सव में लोग एक ड्रेस कोड बनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो हमने सोचा है हम इस उत्सव को अंतरात्मा से सेलिब्रेट करें बजाय एक दिखावे के। तो हम जेन्युइनली नए कपड़े खरीदे, वी बॉट इट एंड आज पहन के आए, और हम ये लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि इसको उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें, इसको उत्सव की तरह सेलिब्रेट करें। तो आपने किस तरह से प्लान किया, आइडिया किसका था? आपका था कि बेसिकली मेरा ही था प्लान। सबको बोले आज सुबह सुबह सबको को एक ही ड्रेस कोड पहनना और पहन के सबको वोटिंग करने जाएंगे। अपना वोट बहुत कीमती है। वोट डालने के लिए कितना एक्साइटमेंट था और सबको एक साथ सुबह कितने जल्दी उठाया आपने?
सुबह 7 o'clock से हमारे घर में फुल ऑन एक्साइटमेंट चल रहा है, फुल माहौल चल रहा है कि वोटिंग करने जाना है, सबको एक ड्रेस कोड में जाना है। हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव है वो बीकानेर पूर्व विधानसभा है, वहाँ हम वोट करेंगे और हम लोग इसीलिए सुबह जल्दी उठे, तैयार हुए कि यहाँ पहले वोट करेंगे बच्चों के साथ और बच्चों को लेके ही फिर यहाँ से बीकानेर निकलेंगे हम लोग। तो इन्होंने प्याज की कचौरी का मजा यहाँ लिया है जयपुर में और अब ये भुजिया जाकर खाएंगे बीकानेर में। कैमरामैन शुभम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज जयपुर। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13,50,00,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं, आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हम सफर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के कामारेड्डी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी जो कहती है उसे पूरा करके रहती है। उन्होंने तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े समाज से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में मडिका समुदाय के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। तेलंगाना की इस विकास यात्रा में मादिगा समुदाय के साथ जो अन्याय हुआ है उसे बीजेपी भली भांति समझती है। इस अन्याय का अंत करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। काम को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन कर रही है। ये कमेटी आपको न्याय दिलाने की पहल करेगी और आपके सशक्तिकरण का एक नया रास्ता बनाएगी। माडिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये केस मजबूत हो सके इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है तो इस बार KCR को भी लोग सत्ता से हटाएंगे। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से वोट बैंक की राजनीति का इतिहास नहीं बदला जा सकता। BRS और कांग्रेस में एक और बात कॉमन है, ये दोनों दल आप लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी अचानक से TRS को BRS बना दिया जाता है, इसी साल UPA को भी इंडी अलायंस बना दिया गया है। देश के लोग ये सारे हथकंडे अच्छी तरह समझते हैं, नाम बदलने से इनके भ्रष्टाचार, कुशासन और वोट बैंक पॉलिटिक्स का इतिहास कभी नहीं बदल सकता। सच ये है कि देश के कई राज्यों में लोगों ने दशकों से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है। और वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने KCR पर हमला बोलते हुए कहा कि KCR सरकार में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। KCR को कोल्हापुर के युवाओं की चिंता नहीं है, एक ही यूथ की चिंता है, KTR को मुख्यमंत्री बनाने की। KCR सरकार में 7 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सारे पेपर लीक की जांच कराकर
दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। और वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने हैदराबाद में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर की टिप्पणी पर अमित शाह ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ओछी टिप्पणी की गई तो लोगों ने खास तरीके से प्रतिक्रिया दी है। तेलंगाना के लोग बीजेपी को वोट देंगे। मंत्री जी के बारे में बिलो द बेड लैंग्वेज का उपयोग हुआ है। देश में कोई भी राज्य हो, जनता ने उसका करारा जवाब दिया है। मुझे भी भरोसा है ये जो बिलो द बेल्ट लैंग्वेज उपयोग हो रही है उसका करारा जवाब तेलंगाना के मतदाता वोटिंग में देंगे। और वहीं अमित शाह ने कहा कि 10 साल के बाद भी तेलंगाना के अंदर कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के युवाओं, किसानों, दलितों और पिछड़े वर्ग में निराशा है। तेलंगाना की प्राप्ति के लिए जिन युवाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, करीब करीब 1500 युवाओं ने दिया था, उन्होंने तेलंगाना की भविष्य की पीढ़ी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया था। आज युवा बिल्कुल निराश खड़ा है। किसान, दलित, बैकवर्ड्स बिल्कुल निराश खड़े हैं और सभी लोग तेलंगाना के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने कुमुराम भीम असीफाबाद में चुनावी रैली को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोलते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है। किसी भी स्थिति में इसको लागू नहीं होने देना चाहिए, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के देश को एक नए विभाजन की ओर ले जाना चाहती है और आपके हकों पर कुठाराघात करना चाहती है। और इसीलिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए कहा कि केसीआर के परिवार के पास ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। और भाजपा ने निर्वाचन आयोग से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने के लिए एक पत्र लिखा है। भाजपा ने राहुल गांधी की एक्स पर एक पोस्ट को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए ये शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उनकी आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की भी मांग की है। भाजपा ने आयोग से राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त से राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत और आपराधिक मुकदमा शुरू करने की भी मांग की है। और प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के महेश्वरम में चुनावी जनसभा कर रहे हैं, सीधे वहां का रुख करते हैं। मैं अब भाजपा की पहचान बताता हूं आपको।
आप याद कीजिए वो कौन सी पार्टी थी इन्हें हुजराबाद में हराया, बीजेपी ने हराया। किस पार्टी ने इन्हें दुबक्का में हराया, बीजेपी ने। किस पार्टी से जीएचएमसी के चुनाव में हारते हारते बच गए, बीजेपी। और इसलिए ये सबसे ज्यादा किससे डरते हैं, बीजेपी से। दोनों डरते हैं। नागकुटुम सप्युलारा, महेश्वरम की ये सीट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि कांग्रेस और बीआरएस कैसे एक ही सिक्के की दो बाजू है। यहां पर पिछली बार भी लोग बीआरएस के खिलाफ थे। आप लोग अच्छी तरह समझ गए थे कि बीआरएस ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, आपके विश्वास को तोड़ा है। इसलिए तब आपने बीआरएस को हराने का फैसला किया, आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी पार्टी छोड़कर बीआरएस ज्वाइन कर ली और सरकार का हिस्सा भी तक बन गई। यानी तेलंगाना में कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट वो बीआरएस को ही मजबूत करता है। बीआरएस सरकार को हराने और हटाने के लिए आपकी सबसे विश्वसनीय साथी कोई है, आपके सपनों के लिए काम करने वाला कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है। और तेलंगाना के मेरे नौजवान, मेरी बात लिख करके रखिए, तेलंगाना की माताएं, बहनें, किसान, युवान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़े सब लोग, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। ना कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम के लोगों को हो रही परेशानियां, यहां वर्षों तक रहे कुशासन का भी बड़ा प्रमाण है। यहां ज्यादा पानी या कम पानी दोनों ही आफत का कारण बनते हैं। बारिश के समय यहां के अनेक इलाके पानी में डूब जाते हैं, जिससे लोगों को मुश्किल होती है। वहीं दूसरी ओर महेश्वर के अनेक हिस्सों में लोग पीने के पानी की किल्लत महसूस करते हैं। कांग्रेस और बीआरएस ने यहां क्या किया, उसकी असलियत यही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बीजेपी को सेवा का मौका देंगे तो बीजेपी जल्द से जल्द इस समस्या का भी समाधान करेगी। नागकुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस और केसीआर सोच से, समझ से, कार्यशैली से स्वार्थी है और समाज का विरोध, उसमें से राजनीति खोजना, यही उनका कारोबार है। इन्हें तीन बातों से बहुत नफरत है। पहला, इन्हें विकासवादी राजनीति से नफरत है। कांग्रेस और केसीआर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को मानते ही नहीं और ना ही कभी इस पर बात करते हैं। इनके भाषणों में सिर्फ नकारात्मक बातें,
और दूसरे को गालियां, और उनके लिए तो मोदी सबसे ज्यादा फेवरेट है। गाली देनी तो किसको दो, मोदी को दो। इन लोगों को बांटो और राज करोगी, वोट बैंक पॉलिटिक्स अच्छी लगती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, एपीजमेंट बिल्कुल नहीं। हम शत प्रतिशत सेचुरेशन की बात करते हैं जिसमें किसी से भेदभाव न हो। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस और केसीआर को ईमानदारी की राजनीति से भी नफरत है। कांग्रेस के हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। केसीआर जो कांग्रेस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में रहे हैं, उन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने इरिगेशन स्कीम्स शुरू की और इरिगेशन स्कीम्स को उन्होंने इरिगेशन स्कैम बना डाला। शुरू तो करते हैं इरिगेशन स्कीम, बन जाता है इरिगेशन स्कैम। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस बीआरएस को पिछड़ों के किसी भी तरह के सशक्तिकरण से भी नफरत है। ये दल एससी एसटी और ओबीसी के सबसे बड़े विरोधी दल है। इन्होंने हर कदम पर एससी एसटी और ओबीसी नेताओं का अपमान किया है। कांग्रेस तो इतनी जांच। तो महेश्वरम से ये हम आपको जनसभा दिखा रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर की हैं और कांग्रेस और बीआरएस को आड़े हाथों लिया है। और इसी के साथ वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सिल्कियारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की जिंदगी बचाने का प्रयास चल रहा है। श्रमिकों को बाहर निकालने के अभियान में लोहे का अवरोध आने से ऑगर मशीन लक्ष्य से लगभग 9 मीटर पहले रुक गई। अमेरिकन ऑगर मशीन अंदर फंसी हुई है। अवरोधों को काटकर मशीन को बाहर निकालने का काम जारी है। इसी क्रम में बीआरओ कर्मी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनों को पहाड़ी की चोटी तक शीघ्रता से पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 1150 मीटर तक रास्ता बना दिया गया है। SJVN और ONGC की टीमें सिल्कियारा सुरंग के ऊपर पहाड़ी पर पहुंच गई हैं। ड्रिलिंग मशीन आते ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में पहुंचकर अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी मजदूरों के सकुशल बाहर निकालने की कामना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्कियारा सुरंग में चल रहे बचाव अभियान का जायजा लेने के बाद कहा कि अंदर जो लोग फंसे हैं उनसे मेरी अभी बात हुई है, उनके हौसले मजबूत हैं। सभा अहमद और सर्वियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं, वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसे वो नहीं है कि कहीं। उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमको टाइम से खाना भी मिल रहा है, सब हम अंदर ठीक से हैं, सभी स्वस्थ भी हैं। तो सभी ऑप्शंस पर हम काम कर रहे हैं और अभी हैदराबाद से आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा
जो कटर है प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहां पर आने से वो जल्दी और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि धैर्य से अभियान चलाना होगा। मैं अभी के लिए टेम्पररली जो ये ऑगर का रूट था ये तो आप समझिए कि इस पे कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, हॉल्ट हो गया है और अब कटर्स का काम वहाँ पर ज़्यादा है, कटिंग का काम है जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, मगर ऑब्वियसली प्रोसीजर प्रोसेस जो है वो उतना ज़्यादा तेज नहीं होगा जैसे पहले 4 से 5 मीटर पर घंटा था, वो उस तरह की स्पीड नहीं आएगी। मगर अच्छी चीज़ तो ये है कि ये रास्ता बना हुआ है, इसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबलाइज रखना है और इसका इस जरिए को हमने इग्नोर नहीं करना है। इसी पे जब ऑगर का टूटा हिस्सा बाहर निकल आएगा इसी पे कोशिश दोबारा जारी की जाएगी। और हमारे संवाददाता ओपी यादव ने ऑगर मशीन में आई खराबी के बारे में विस्तार से बताया। देर रात्रि ऑगर मशीन में आई खराबी के बाद उसके ब्लेड खराब हो गए थे और उन्हीं ब्लेड को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसके यंत्र हैं जो फंसे हुए थे और ये मलबे के साथ इनको निकाला गया है। इनकी टूटने की वजह से काम बाधित हुआ। आप देख सकते हैं ये जो कटर ब्लेड है अमेरिकन ऑगर मशीन के हैं जिनको देर रात्रि निकालने का काम जारी रहा। हालांकि काम पूरी रात बाधित रहा। अभी इसी की वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया है लेकिन जिस तरह से ये कटर देखे जा रहे हैं उससे साफ तौर पता चलता है कि जो आयरन रोड से बहुत ही हार्ड और एक ग्रुप में बंधे हुए हैं जिसकी वजह से कटर काम नहीं कर पा रहा था। इसके जो टुकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो रोड है वो कितना स्ट्रांग होगा और कितने बड़े ग्रुप में होगा। जिस तरह से मलबा निकाल के लाया गया उससे पता चल रहा है कि मशीन को काफ़ी डैमेज किया गया है और उसी नुकसान के चलते ये अमेरिकन ऑगर मशीन काम करना बंद कर दी और उसमें उलझी रही। हालांकि अभी मशीन निकली नहीं है, ये पार्ट्स निकाले गए हैं लेकिन उम्मीद की जाती है कि अमेरिकन ऑगर मशीन को भी जल्दी निकाल लिया जाएगा और उसके बाद ये काम शुरू होगा। मैं स्वेगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज उत्तरकाशी सिलचरा। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि सुरंग में मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कई और तरीके हैं और उन पर सभी पर काम जारी है। Manual may be possible, but only if we do not hurt somebody doing it. We're not endangering people's lives as well. Also, we have to keep everyone safe. The people here, the Indian experts who are here, understand this geology very well. Every door that we're trying to open has its advantages and its disadvantages. But our mission is 41 men home safe and no one hurt in the process. And I am so proud to be involved in a mission with a government who puts the well-being of their rescue workers and the well-being of their people so highly. उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने घटना स्थल पर बचाव का जायजा लिया। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की। भूमि उत्तराखंड के सिलकियारा टनल में फंसे मजदूरों के राहत और बचाव के लिए युद्ध स्तर पर लगातार कार्य जारी है। 12 नवंबर को यह घटना हुई तब से लेकर लगातार यहां न केवल प्रधानमंत्री कार्यालय बल्कि राज्य सरकार भी इसमें संवेदनशील नजर आ रही है लेकिन कई तरह के अवरोध और बाधाएं आने के चलते भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के वित्त मंत्री। सर, अगर बात करें वर्तमान स्थिति किस तरह देखेंगे आप? जिस प्रकार से कल थोड़ी सी बाधा आई, मैं आज कह सकता हूँ कि उसके बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे वो 41 मजदूर हैं, पहली प्राथमिकता वो है कि वो बाहर आएं। उन तमाम चीज़ों की जो आवश्यकता है मेहनत करने की, काम करने की, वो सब यहाँ पे की जा रही है। अगर बात करें मजदूरों से संवाद की तो आपसे कोई बात हुई आज और क्या उन्होंने बोला? सभी लोग ठीक है। मैंने उनसे यही पूछा कि सभी लोग ठीक है कि हम सब लोग ठीक हैं।
उल्टा उन्होंने तो ये गब्बर सिंह जी ने तो यह तो कहा कि आप पहले ये भी देखिए कि आप लोग सब ठीक रहें क्योंकि बाहर ठंडा है, इतना जो बोल सकता है तो मतलब वो सब ठीक है, खाना पीना सब मिल रहा है कि हाँ कोई दिक्कत तो नहीं कि नहीं आप चिंता मत करिए हम बिल्कुल ठीक है। बल्कि एक श्रमिक ने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग बिहार के हैं, बिहार की सरकार ने चिंता नहीं की। एक ने कहा कि बंगाल के हम लोग हैं, हमारी चिंता नहीं की। ये थोड़ा दुखद है, लेकिन प्रधान मैंने कहा कि सबसे सुप्रीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो चिंता करें, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है कि माननीय प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं। तकनीकी क्या कमी आई है, क्या अवरोध है जिसके जरिए ये काम बाधित हुआ? इतने बड़े काम में चुनौतियाँ आना स्वाभाविक है, लेकिन उन चुनौतियों को पार करना ये हमारी जिम्मेवारी है और हमारे यहाँ की मशीनरी लगी है। आप देखिए ना, एक एक एजेंसी लगी है, हम लोग रात को सो रहे हैं लेकिन वो रात भर जाग के काम कर रहे हैं। जिस मेहनत से काम कर रहे हैं निश्चित रूप से उनका अभिनंदन होना चाहिए। हर व्यक्ति को लगा दिया गया है, बहुत जल्द हर विकल्प पे विचार भी हो रहा है, तुरंत तो उस पर काम होगा। आप इसकी चिंता करिए कि कैसे वो 41 लोग आए, वो पूरी तरह से 41 लोग बाहर आ रहे हैं। तो यदि उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिनका मानना है कि सिलकेरा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास न केवल जारी है बल्कि जल्द ही इनको बाहर निकालकर सकुशल इस कार्य को अंजाम दिए जाने का संकल्प भी जारी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज उत्तरकाशी सिलकेरा। और अब एक अच्छी खबर, भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात शनिवार को एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि 23 नवंबर को लगभग 4,63,417 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। नवंबर में घरेलू हवाई यात्री यातायात कम से कम 4 बार नई ऊंचाई रिकॉर्ड पर पहुंचा है। कोविड के बाद भारत की घरेलू विमान में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 23 नवंबर को घरेलू यात्रियों की कुल संख्या 4,63,417 थी और उड़ान आवाजाही की संख्या 5,998 थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सफलता पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर नई ऊंचाई छू रहे भारतीय घरेलू विमानन में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। भारत के पूर्ण इतिहास में ये सबसे उच्चतम घरेलू हवाई यातायात संख्या भारतीय विमानन के सुदृढ़ वर्तमान और सुनहरे भविष्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में घरेलू हवाई यात्री यातायात अक्टूबर में लगभग 11% की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.26 करोड़ हो गया है। अक्टूबर 2022 में यातायात 1.14 करोड़ और इस साल सितंबर में 1.22 करोड़ यात्री रहा। विमानन नियामक DGCA द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि इंडिगो में अक्टूबर में 79.07 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की, जिससे घरेलू बाजार में हिस्सेदारी 62.6% हो गई। और तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट के प्रक्षेपण का 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक RH-200 ध्वनि रॉकेट का भी प्रक्षेपण किया गया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की आशाओं और सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Unique providential coincidence that in the 60th year itself you also achieved the dream of landing on the surface of moon, and in the 60th year itself India was destined to move into a new parliament house, and the very first session in the two houses had to be dedicated to ISRO and the Chandrayaan, as was being mentioned by Mulika. That means, as goes the proverb, a good beginning is half done. So we had a very auspicious beginning, and I think this is testimony to that. और विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर ने पुणे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संबंध सम्मेलन 2023 में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कार्यक्रम की थीम भारत की रणनीतिक संस्कृति को लेकर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भारतीय चरित्र में ढालने के लिए अपने इतिहास, संस्कृति और ज्ञान परंपरा पर और ध्यान देना होगा। If we are actually to develop
an Indian strategic culture. If we are to create international relations with Indian characteristics, is it not necessary that we actually devote more time, attention, energies to look at our own reservoir of history, knowledge, culture and traditions? और विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हम इतिहास को केंद्रीकृत करके बिरसा मुंडा जैसे महानायकों को इतिहास में उचित सम्मान नहीं देते हैं तो हम अपनी शक्तियों की सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। पहले चरण के तहत यह अभियान 32 राज्यों के 560 जिलों और 3511 ब्लॉकों में चलाया गया था। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और फग्गन सिंह कुलस्ते ने औपचारिक रूप से अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर जेंडर आधारित डेटा से जुड़ी पुस्तक का भी अनावरण किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्प भी लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के रास्ते पर आज स्वामित्व योजना के अंतर्गत यदि घर का स्वामी किसी को बनाया जा रहा है तो मेरी दीदी को बनाया जा रहा है, यदि गैस चूल्हा दिया जा रहा है तो मेरी दीदी के नाम से दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड यदि किसी को दिया जा रहा है तो भी दीदी के नाम से। ये और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।